ऐसी घड़ियां जीवन में बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। वास्तव में इंसान को पहले तो 1 लाख वर्ष की आयु थी, लेकिन जितना जितना इंसान बुराइयों की तरफ बढ़ता गया उतना ही आयु का पतन होता गया। और आज जो इंसान की आयु है, जो अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहता है, वो 100 से ऊपर भी निकाल लेता है। जो अपने धर्म के ऊपर तत्पर नहीं है, जो अपने धर्म से गिर जाता है, उसकी आयु बहुत कम होती है। तो इसलिए हमें जो ये जीवन मिला है, ये रोने धोने के लिए नहीं मिला है, बुराइयों के लिए नहीं मिला है। ये केवल मात्र जीव इस संसार में आया है, ये वास्तव में वो राम ही था। आप सोचते होंगे कि क्या बोल रहे हैं, कह कबीर ये राम की अंश, ये राम ही था। लेकिन कुछ ऐसे अवसर मिले इस संसार में आया, और जब इस संसार की हवा लगी तो फिर ये ग्राउंड में चला गया और इसकी आयु का पतन होता गया। और इंसान तो ये सोचता है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत कुछ बना लेंगे, लेकिन कुछ नहीं बना सकते, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, और ना तो कुछ यहाँ से कुछ ले जा सकता है। लेकिन जो आपको श्वास मिले हैं, ये बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है। लेकिन ये ऐसे ही जा रहे हैं, अकार्थ में जा रहे हैं, और इस संसार में जीवन खाली हाथ आता है और फिर मुट्ठी बंद करके आता है और फिर खाली हाथ इस संसार से उठ जाता है। तो ये है इंसान की जीवन यात्रा। तो जिस काम के लिए इंसान आया था वो तो करता नहीं। और आज जो आपको अवसर मिला है, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो तो संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं, संसार को सुख देने के लिए आते हैं। बड़े बड़े महापुरुष आज तक इस संसार में आए, बहुत आज तक आए, लेकिन किसी को सुख नहीं दिया संसार ने। उन्होंने क्या लेना होता किसी से, उनको किसी कोई गलत नहीं होती है। वो तो हमारे हित के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमें सुख चैन देने के लिए आते हैं, और उनको कोई किसी से कोई गरज नहीं होती कि उनको कुछ लेना है। किसी को अपने पीछे लगाने के लिए नहीं आते कि हाँ चलो जी हमारे पीछे चलो, वो इसलिए नहीं आते। उन्होंने जो कुछ करना होता है वो करते हैं। तो मेरे सतगुरु पर संत ठाकुर सिंह जी महाराज आए, उनके साथ भी संसार ने क्या कुछ किया, कृपाल सिंह जी के साथ, श्रावण सिंह जी के साथ। तो महाराज ठाकुर सिंह जी मेरे सतगुरु दिल्ली के आश्रम में थे, तो आप उनके लेके आ गए। तो महाराज जी को वहां कोई किसी कुछ लेने के लिए या कुछ करने के लिए ऐसा संसार की वस्तुओं के लिए थोड़े आए थे, वो तो जीवों का भला करने के लिए आए थे। तो निकल गए वहां से। और महाराज श्रावण सिंह जी अमृतसर में सत्संग कर रहे थे, तो तलवारें कृपाणें लेकर के आ गए, तो हंसने लगे, खड़े हो गए स्टेज के ऊपर और हंसने लगे कि क्या मूर्ख है। और जैसे हंसने लगे तो उनकी तलवारें कृपाणें ठंडी पड़ गई। और महाराज कृपाल सिंह जी दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी गाड़ी रोक ली, तो वो बंदूक वाले आ गए, वहां छोटी बंदूकड़ी वाले आ गए कि उतरो नीचे, तो उतर गए।
तो जितने बैठे थे वो तो डर गए, पता नहीं अब क्या हो जाने वाला है, लेकिन उनको ठीक है, दुख तो सहना पड़ा लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। महाराज जो पहली बात साहिब थे गुरु नानक देव साहिब, उनको देखो भूखे प्यासे रात दिन चलते रहे, रात दिन चलते रहे, और किसके लिए? संसार के लिए, एक एक जीव के, चराचर जीवों के चलते रहे। लेकिन उनको भी कुरैया कहा, जिन्होंने डलवा दिया, बोझे उठवाए, कितना दुख दिया उनको, लेकिन उन्होंने संसार का भला किया। तो पांचवी पातशाही उनको भी तत्ते तवे के ऊपर उठा दिया। तो कुदरत तो खड़ी हो गई कि महाराज आप हुक्म करिए, परमात्मा थे कि महाराज आप हुक्म करिए, प्रलय कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या जाता है, कोई बात नहीं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे कोई, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है, वो तो परमात्मा होते हैं, आत्मा होते हैं, न जायते न मृियते, आत्मा न जन्मती है न मृत्यु होती है। आप ये मत सोचो कि हम मर जाएंगे, मरता कोई नहीं है, मरता कोई नहीं है, केवल मात्र जो हमें ये कपड़ा मिला है जब पुराना हो जाता है तो उसको उतार देते हैं, नया धारण कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे कर्म करेगा बंदे, वैसे वैसे फल देगा भगवान। तो जैसे जैसे हम कर्म करते चले जाते हैं लोक लांच के अंदर, तो फिर वैसी वैसी योनियों को प्राप्त होते हैं आगे चल करके, आगे चल करके वैसी वैसी योनियों में चले जाते हैं, फिर नरकों में सड़ना पड़ता है। तो इस संसार में क्या कुछ हमारा है जिसको बनाने के लिए हम आए हैं, जिसको परमात्मा ने भेजना है वो आएगा, वो आएगा, उसने आना है, जो उसको सेवा मिली है वो करेगा या उल्टा काम करेगा, संसार में आके अच्छा बनेगा या बुराइयां करेगा। लेकिन संसार में आज के समय के अंदर कोई गिना चुना ही होता है जो अच्छे काम करता है, और बुराइयां तो बहुत है इंसान के अंदर, बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन उन्हीं में लगे रहेंगे और फिर इस संसार से रोते हुए जाएंगे। लेकिन जो सत्संग में आएगा, सत्संग सुनेगा, वो फिर गुरु के दर्शन करेगा। गुरु कौन होता है? अब ये तो आपको नहीं पता कि गुरु कौन होता है। तो वो मालिक जब उसने संसार का भला करना होता है तो फिर संत रूप होए आया जगत में, तो फिर उसको संतों के रूप में संसार में आना, संसार का भला करने के लिए तभी कर सकता है। वो तो अपने मौज में है, अपने दाम में, जैसे जैसे कर्म करेगा बंदे वैसे वैसे फल देगा भगवान आपको बता दिया। तो उसको क्या है, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, जैसे कमाई करेगा वैसा उसको मिलेगा। लेकिन समय की घड़ियां ऐसे बीत जा रही है, सोने में, खाने में, दुखों में, बीमारियों में, ये बीत जानी है, लेकिन फिर पछताना पड़ेगा। तब तक कहते हैं ना कि जब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये स्वांसे है तो रिश्ता है, जब ये स्वांसे टूट जाती है तो रिश्ता भी छूट जाता है। तो रिश्ता हमारा रिश्ता संसारिक रिश्ता क्या है, आपका रिश्ता क्या है, आत्मा का रिश्ता क्या है? परमात्मा से। और आपके घर में बच्चा आता है
वो राम ही होता है। कबीर जी कहा करते थे कि मेरे पास जो भी आता है, मेरे पास मेरा राम आता है। ये बात सही है, क्योंकि वो सब में रम रहा है, जिसको रामायण जी के अंदर रमाकांत कहा, वो सब में रम रहा है, सब में बैठा है। लेकिन पत्नी का रिश्ता कहां तक होता है? चीता तक। और पुत्र का रिश्ता अग्निदान तक, मुखाग्निदान तक। और बेटी का रिश्ता भी चीता तक होता है, पत्नी का रिश्ता भी चीता तक होता है, और रिश्तेदारों का रिश्ता भी वहीं तक होता है। तो कोई शव यात्रा जा रही थी, तो जहां वो यात्रा उसकी संसार की खत्म होने वाली थी, तो वहां पे लिखा था कि अच्छा हुआ कि तू यहां आ गया, जाते जाते तेरा रिश्ता यहां तक ही था। तो इंसान का रिश्ता जो है, ये हमारा स्थायी रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता, आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है। तो तभी कहा है कि रंगमंच ये दुनिया बनाई, एक्टर बन के आया, बांध बांध के अभिनय करता, क्यों मान भरमाया, आप पे गाड़ी, आप पे गाड़ा, आप पे माई बाप। तो वो आप ही आप है सब में। पत्नी का रोल भी वही कर रहा है, पति का भी वही कर रहा है, बेटे का भी वही कर रहा है, बेटी का भी वही कर रहा है। वो आप ही आप तो है, दूसरा तो कोई नहीं है। लेकिन फिर हमारे अंदर ये विकार क्यों आ गए? क्योंकि हमारा ये पांच तत्वों का शरीर है, पांच तत्वों के पांच ही विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जब तक ये शरीर है, तब तक ये विकार कभी खत्म नहीं हो सकते। अगर इनको खत्म करना है, इनसे बचना है, या तो अपने जीवन को किसी अच्छाई में, बेहतरी में लगाओ, या तो फिर आप किसी संत सदगुरु की शरण में बैठ जाओ, सत्संग में चले जाओ, नाम ले लो, उसका जाप करो, तो ये आपके विकार जो है शांत हो जाएंगे, ये आपको दुख नहीं देंगे, इन दुखों से बच जाएंगे। लेकिन जब तक शरीर रहेगा तो ये रहेंगे। तो तभी महापुरुष जो होते हैं वो संसार में आते हैं। आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, आप कहते हो कि मैं तो हनुमान की पूजा करता हूं, बड़ी अच्छी बात है, जिसकी मर्जी करो, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जिसकी मर्जी करो। कोई भूतों की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, कोई राम जी की करता है, कोई कृष्ण जी की करता है, कोई किसी की करता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है, अगर डायरेक्ट आज आप उस जिसको राम से श्वास मिल रहे हैं, जीवन के जीवन रूपी श्वास मिल रहे हैं, अगर उसी की पूजा कर लें, तब तो आपका काम ही बन गया, तब तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन वो नहीं करते, चक्कर में डाल दिया। संसार में बहुत बड़ा चक्कर है, दुनिया कहती है कि तू ऐसा कर। अरे जिसने सब कुछ बनाया है, 84 लाख जियाजून बना दी, मक्खी मच्छर सब कुछ बना दिया उसने, लेकिन फिर उसने सोचा मेरे जैसा कौन है, तो अपने जैसा इंसान को बना दिया। ये इंसान ये तो परमेश्वर है, इसके अंदर सब कुछ है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे, पीपा परम में परम तत्व है सतगुरु हो रखावे। तो जो शरीर के अंदर है, जो ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ आपके पास है, शरीर में सारे खंड ब्रह्मांड सब कुछ है, और आप में वो ताकत है। आप कहते हैं जी हनुमान जी तो एक छलांग से भी बनकर पहुंच गया था,
अरे वो तो लंका पहुंचा, आप तो जितने लख आकाशा लख पताला उड़ बात बात के एक बात वेद कहने की बात, तो लाखों आकाश है, लाखों पैताल है, लाखों सृष्टियां है, आप में वो ताकत है। अगर जैसा भी आपको बताया कि गुरु अगर कृपा कर दे, गुरु कृपा कर दे आपको थोड़ी सी तवज्जो दे करके, जो तवज्जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जब भ्रम हो गया था कि मैं बड़ा धनुषधारी हूं, मैं बड़ा गदाधारी हूं, अर्जुन को भ्रम हो गया, लेकिन वो भ्रम खत्म करने के लिए थोड़ी सी तवज्जो दी तो प्रकाश ही प्रकाश हो गया, और अनादर अनाथ सब दुमावा के नित्य निरंतर आवाज गति से फिर चलना शुरू हो गया, तो वो बजे बजने लगे फिर, और वो आनंद मिल गया उसको, वो आनंद मिलना शुरू हो गया। तो फिर अगर आपने जब गुरु मिल गया, आपने अगर नाम की कमाई कर ली, तो फिर आप में वो ताकत है कि आप अभी यहां बैठे हैं, शरीर आपका क्या यही रहेगा, कोई सोचेगा कि तो बैठे हुए हैं, लेकिन आप सारी सृष्टियों का, जितनी सृष्टियां हैं, ऐसी सृष्टियां, लाखों सृष्टियां हैं, सबका चक्कर काट करके एक सेकंड में आ जाएंगे, इतनी ताकत है आप, इतनी ताकत है, लेकिन मर रहे हैं। हाँ जी, दुख आ गया, बीमारी लग गई, ऐसा हो गया, अरे कुछ किसी को दुखी करेंगे तो दुख तो आएंगे, किसी की चुगलियां निंदा करेंगे तो बुराई तो आएगी, छोड़ो इन चीजों को। अगर कोई दूसरे की कोई बुराई कर रहा है, वहां से भाग जाओ, वहां पर मत बैठो, वहां से भाग जाओ, किसी की बुराई मत करो, किसी के कर्मों के भागीदार मत बनो, स्वतंत्र रहो, अच्छा जीवन जियो, परमेश्वर को साथ में रख करके, वो मिला है आपको, और आपको वो ताकत दी है परमात्मा ने कि आप सारी दुनिया बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, ऐसी ताकत है, आप ऐसा मत सोचना। लेकिन ये करने का भेद है ना, बुद्धि विचार कथनी कर, करने करें तो पाएंगे सार, ये करने का भेद है, करेंगे तभी मिलेगा, अगर करेंगे नहीं ऐसे बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा, गुफा में बैठ जाएंगे तो क्या मिलेगा, अपने परिवार को छोड़ करके, ठीक है परिवार दिया है आपको परमात्मा ने, ये परमात्मा का परिवार है, उसने आपको जिम्मेदारी दी है, अगर आपने परिवार को छोड़ दिया और जंगल में जाकर के बैठ गए नंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको तो फिर बददुआ मिलेगी, क्या मिलेगा, राम की सेवा छोड़ दी और जंगलों में जाकर बैठ गया, भूति लगाने लग गया, अलमल खाई सिर छाई पाई गुरखंदे पतकवाए रह रुवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताने सतगुरु बेटे सो सुख पाए हर का नाम मन बसाए। तो भाई अगर सतगुरु को भेटेंगे, उसको याद करेंगे, एकदम सुख आएगा आपको, अगर विश्वास है, विश्वास नहीं तो नहीं आएगा, गुरु तो विश्वास की चीज है, आप चाहे सात समुद्र पार कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपने याद कर लिया तो आपको आराम आ जाएगा, वहीं आराम आ जाएगा। और गुरु क्या करता है, पहले दिन ही तवज्जो दे करके आपकी आत्मा को, जो शरीर में बंधी पड़ी हुई है, बंधनों में बंधी पड़ी है, तो उसको मुक्त कौन करता है, जो आप मुक्त, मुक्त करे संसार सदा तिष्ठन को नमस्कार, जो आप मुक्त हैं वो आपको भी मुक्त कर सकते हैं, आपके बंधनों को काट सकते हैं, पूजा करने से कुछ नहीं होता, ठीक है अच्छी बात है, पहली क्लास में जाना अच्छी बात है, आप किसी धर्म की बुराई नहीं करेंगे, ये अच्छे हैं सभी धर्म, अच्छे हैं सभी धर्म, अच्छे हैं, पहली में जाएंगे तभी तो दूसरी में आएंगे, पहली में नहीं जाएंगे तो फिर दूसरी में कैसे आएंगे आप। मन मंदिर, ये मन ही परमात्मा का मंदिर है, मन मंदिर तन भेष के अंदर घटी तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है मोर जन्म नामा। तो आपको अगर दोबारा नरकों में सड़ने से बचना है, उनसे बचना है, तो फिर
आपको दोबारा नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, दुख नहीं भोगने पड़ेंगे आपको। तो फिर अपने अहंकार को मिटा करके पूर्ण सदगुरु की तलाश करके उनकी शरण में आओ, उनके आगे अरदास करो कि महाराज हमारे ऊपर भी कृपा करो। तो वो पहले दिन ही उठा करके परमात्मा का अनुभव आपको पहले दिन दे देंगे। जाओ फिर प्रतिदिन वो हर घड़ी हर पल आपसे बात करेगा, आपकी रक्षा करेगा। क्या ऐसा कुछ नहीं लेना चाहते? ऐसा नहीं चाहिए आपको, लेकिन परमात्मा की भाषा तो आप तभी समझेंगे जब आप इस शरीर को छोड़कर के ऊपर आ जाएंगे, चले जाएंगे अपने धाम में चले जाएंगे, तभी पता चलेगा उस भाषा का। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलेगा। इस शरीर में बैठ करके इन आंखों से आप परमात्मा को नहीं देख सकते, इन कानों से परमात्मा की भाषा को नहीं सुन सकते, ये कान बंद करने पड़ेंगे आपको। लेकिन जब आप वहां पहुंच गए तो फिर रोम रोम रस पीजिए, ऐसी रसना होए दातु प्यासा प्रेम का, प्रभु बिना तृप्ति ना हो। तो फिर रोम रोम से आपकी एक एक रोम से वो अमृत धारा बरसेगी, और आपका एक एक रोम का, एक एक क्रोध सूर्य का प्रकाश, एक एक रोम का आपका क्रोध सूर्य का प्रकाश होगा। ऐसे ही आप ऐसे नहीं है, लेकिन आपने आपको कुछ नहीं समझा आज तक, सोने में बुराइयों में नशे पत्ते में। परमात्मा ने तो इतना हीरा जैसा जन्म दिया था, हीरा जन्म है अपना विषयों में क्यों आया? कभी ये ना सोचा तूने मैं क्यों यहां पे आया, क्यों लुटा दिया सांसों का एक ठिकाना। तो हीरे जैसा जन्म दिया है परमात्मा ने, इसमें वो बेशकीमती हीरा है, जिसने उसकी तलाश कर ली वो मालो माल हो गया। जिसको वो हीरा नहीं मिला वो कंकाल का कंकाल ही रह गया। चाहे वो कितना बड़ा राजा है, कितना बड़ा महाराजा है, कुछ भी है, लेकिन राजा महाराजे जो होते हैं इनके लिए नरक भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं। कभी तो कहा है कि राजलीला राजन की, गुरु साहिब समझा रहे हैं, दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। राजलीला राजन की रचना के लिए गोर पारा सेज सोने चंदन चुड़वा, नरक घोर का द्वारा, घोर नरक है उनके, घोर नरकों में सड़ना पड़ेगा उनको। ये थोड़ी घड़ी का है, ये जो भी हो बो रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, ये थोड़ी घड़ी के लिए है, यह हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा है। तो अपना नेक पाक सदाचारी जीवन प्रत्येक प्राणी को रखना चाहिए, और कोई दुखी है उसकी सेवा करो, कोई बहरा है उसकी सेवा करो, कोई लूला लंगड़ा है उसकी सेवा करो। उसके लिए ये जीवन मिला है, ये शरीर उस काम के लिए मिला है, ये बुराइयां करने के लिए नहीं मिला है। या तो इसको, इस शरीर को फिर अच्छे काम में लगा लो, परमात्मा का भजन करो, सिमरन करो, और वहां तक पहुंचो रोज सारे खंडों ब्रह्मांडों की सैर करके दिन में हजार बार, फिर इसी शरीर में फिर आ जाओ। ऐसे आप वो बाजे बजेंगे, वो जय जयकार होगी आपकी, जिसका वर्णन नहीं है। ऐसे हैं आप, लेकिन अपने आप को कुछ समझा नहीं, अपने आप को जाना नहीं, तो फिर क्या होगा हमारा? जब तक अपनी समझ आती नहीं, जब तक अपनी समझ आती नहीं, दिल की परेशानी जाती नहीं, तो जीवन की जिज्ञासा खुली नहीं, और मुक्ति का जो दरवाजा है वो बंद पड़ा हुआ है। भटक रहे हैं कि शायद हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, करने से कुछ नहीं होता है। ये करने का भेद है, ये करने का भेद है, ये जहां से भेद मिलता है वहां से लेना पड़ेगा। तो संसारे क्षण भोपी सत्संग हास्य धीर निराम, तो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि अजामल महान पापी था, लेकिन एक क्षण का सत्संग मिला, एक क्षण का सत्संग मिला और उसका जीवन धन्य हो गया। तो सत्संग बहुत बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आपको यही बताया जाता है कि आपका जीवन
का मतलब क्या है, परमात्मा का क्या है, और जो जो कुछ भी है जिनकी आप पूजा भक्ति करते हैं, पानी से नहाते हैं या बत्तियां करते हैं, बत्तियां करने से क्या होता है, कितनी मूर्खता है दुनिया में। माला जाप करते हैं, माला जाप करने से क्या हो जाएगा, बंधन तो पड़े हुए हैं, बंधन तो खुले नहीं, बंधन तो खुले नहीं। जब तक बंधन नहीं खुलेंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक क्या होगा। तो बंधन खोलने वाला जब मिलेगा, जड़ चेतन की ग्रंथि जिस दिन खुलेगी, उस दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर हम उड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो गुरु आपको क्या देता है, पहले दिन उठा करके आपको सुरेन देता है, और दूसरी चीज क्या है, ध्यान का कोर्स देता है। ये आपके दोनों परिपक्व हो गए तो फिर वो मालिक प्रकट होता है, फिर आपने वो शब्द परमात्मा क्या है, वो सौंग के रूप में है, शब्द के रूप में है, और प्रकाश के रूप में है, ज्योति के रूप में है। तो वो आपके अंदर है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। आप तो सोचते हैं कि परमात्मा वास्तव में आप ही वही है, परमेश्वर ही है आप ही, ऐसी बात नहीं है, कोई गलत नहीं दास कह सकता, आप ही वही है। लेकिन आपने अपने अंदर भंडारों के भंडार भर लिए, बुराइयों इतने गंदे हो गए, तो इस गंदगी को कैसे धोएंगे, कैसे धुलेगी। लेकिन इसके ऊपर प्रतिमा नामा लगाते नहीं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारा, क्या होगा। कभी हम सोचते नहीं कि जी मेरा घाटा पड़ गया, मेरा ऐसा हो गया। अरे छूटे तो छूट जाए, हर सह जगत की फानी, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना छूट जाना। अरे संसार का जो कुछ भी छूटता है, छूटता चला जाए, छोड़ दो उसको, लेकिन उसको मत छोड़ो जो आपका मालिक है, उसको मत छोड़ो, उसको मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो। अगर वो आपका साथ है तो फिर आपको कोई कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं, आप फिर मालूमाल हो गए, आपका जीवन धन्य हो गया, फूल जैसा जीवन हो जाएगा आपका। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इस शरीर में रह रहे हैं, कोई पता नहीं चलेगा, ऐसा जीवन हो जाएगा। क्या ऐसा जीवन नहीं चाहते, कोई ऐसा जीवन नहीं चाहिए, रोने धोने का जीवन चाहिए। ये जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन जीने के लिए मिला है। जीने का मतलब क्या होता है, उस जीवन को प्राप्त करने के लिए, उस जीवन दाता को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। तो हम कभी विचार नहीं करते, चलते रह जा रहे हैं, चल रहे हैं, हाँ ठीक है जी, घंटियां बजा रहे हैं, बस वही बाहर ही बजाते रहो। अरे बिना बजाए निश्चिन बाजे घंटे शंख नगारी रहे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की खबरी सारी रहे। क्या मस्ती आती है, क्या आनंद आता है, क्या खुशियां मिलती है जो बिना बजाए बज रहे हैं आपके अंदर, सारे वादे अंदर बज रहे हैं आपके अंदर, सारी ध्वनियां आपके अंदर हो रही है, और सभी आपकी सेवा के लिए हैं, सब आपके नौकर हैं, सब आपकी सेवा में लगे हैं, लेकिन आप नौकरों के टॉयलेट साफ कर रहे हैं। नौकरों ने क्या देना आपको, जब परमात्मा ने सब कुछ बना दिया, संसार की रचना कर दी, तो फिर देखा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, तो फिर परमात्मा ने क्या किया, फिर परमात्मा ने अपने आप को सब में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि परमात्मा की शक्ति कौन है, प्रकृति।